लाठी, 2.5 माह में 3 थानाधिकारी बदले, अब चौधरी ने किया पदभार ग्रहण। जैसलमेर जिले के पोकरण निकटवर्ती लाठी कस्बे के पुलिस थाने में शनिवार को नए थानाधिकारी कपूराराम चौधरी ने थानाधिकारी का पदभार ग्रहण किया। कपूराराम जैसलमेर यातायात निरीक्षक के पद से स्थानांतरित होकर लाठी थानाधिकारी के पद पर लगाए गए हैं। पदभार ग्रहण करने के बाद थानाधिकारी ने भादरिया राय मंदिर के दर्शन कर देश में अमन चैन की कामना की। थानाधिकारी ने बताया कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था को लेकर पुख्ते प्रबंध किए जाएंगे। वही आदतन अपराधियों की धर पकड़कर समाज को भयमुक्त बनाने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही महिलाओं को भी थाने की गतिविधियों से जोड़कर उन्हें कानून व्यवस्था की जानकारी देकर जागरूक किया जाएगा। उन्होंने ने बताया कि लाठी पशु व वन्यजीव बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ आए दिन दुर्घटनाओं में वन्यजीवों की सुरक्षा हेतु मुख्य मार्गों पर बोर्ड व सांकेतिक बोर्ड लगाकर लोगों को दर्शाया जाएगा कि उक्त का क्षेत्र पशु बाहुल्य क्षेत्र है। वाहनों को स्पीड लिमिट निर्धारित की जाएगी व लोगों में जागरूकता लाने के लिए समय समय पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिससे बढ़ रही दुर्घटनाओं को कम किया जा सके तथा थाने में आने वाले फरियादियों को जल्द से जल्द राहत पहुंचाकर लोगों में पुलिस के भरोसे को और बढ़ाया जाएगा। थानाधिकारी ने कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात थाने के समस्त स्टाफ से क्षेत्र तथा आपराधिक गतिविधियों के बारे में जानकारी ली। 2.5 माह में 3 थानाधिकारी हैं। सुरक्षा के लिहाज से अति महत्वपूर्ण लाठी गांव थानाधिकारी की कुर्सी पर कोई टिक नहीं पा रहा है। ऐसे में कई आपराधिक मामलों के खुलासे नहीं हो पा रहे हैं। राजनीतिक दबाव के चलते 2.5 माह में लाठी गांव में 3 थानाधिकारियों के तबादला हुए हैं। गत 7 दिसंबर मतदान दिवस के दौरान हुए उपद्रव में तत्कालीन थानाधिकारी राजूराम सीरवी को हटाने के तुरंत बाद लाठी थाने की जिम्मेदारी ओम प्रकाश विश्नोई को सौंपी गई। उनका भी तबादला हो गया। फिर बाग सिंह आए, वे भी 1.5 महीने ही रह पाए, उनका भी तबादला हो गया। इनके बाद अब कपूराराम चौधरी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस दौरान हुई कई वारदातों की फाइलें पेंडिंग हैं। विक्रम दर्जी की रिपोर्ट। आपने लाठी थाना अधिकारी का पद भारण ग्रहण किया है, को लेकर क्या प्राथमिकता रहेगी यहाँ पर? प्रथम प्राथमिकता मेरी ये रहेगी, पुलिस प्राथमिकता 2019 की पूर्ण पालना की जाएगी तथा रोड एक्सीडेंट के संबंध में कमी लाना प्लस महिलाओं बच्चों के संबंध में अपराधी त्वरित कार्रवाई की जानी और आम जन से समन्वय बनाकर लोगों से संपर्क कर पुलिस की कार्य प्रणाली को सुधार करना। और लाठी क्षेत्र वन्यजीव बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पर आए दिन सड़क दुर्घटना में पशुओं की और वन्यजीवों की मौत हो रही है, इसको लेकर आप क्या पुख्ता इंतजाम करोगे? इसके संबंध में ये जगह जगह बोर्ड लगाए जाएंगे और उसके ऊपर लिखा जाएगा कि उक्त क्षेत्र वन्यजीव क्षेत्र है, आने जाने व्हीकल वाले अपने वाहन धीरे चलाए और लोग देख के फिर वाहन में क्रॉस करें। लाठी के आसपास दुर्घटनाएं बहुत ज्यादा हो रही है, इसको लेकर आप इंतजाम करोगे? रोड एक्सीडेंट के संबंध में लोगों को अवेयरनेस करने के लिए जगह जगह नाकाबंदी करके समझाइश की जा रही है और पुलिस जो तेज गति से वाहन चलाने जा रहे हैं, वाहन शराब पीते जो वाहन चलाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।